नमस्ते। जब मैं बस स्टॉप पे गया तो मैंने देखा एक बदमाश आदमी जैसा, गुंडे जैसा एक बस स्टॉप पे खड़ा था। बहुत काला था और बहुत खतरनाक था। तो उसके स्किल से ऐसा लग रहा था कि वो बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बात करता हूँ और मैं बात करना ही चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, नमस्ते अंकल। तो उन्होंने भी कहा, एटीट्यूड में से लेकिन कह ही दिया, नमस्ते। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने और सवाल पूछे। मैंने कहा, कैसे हो अंकल? तो मुझे लगा कि तब तो गुस्सा हो गए वो और कहा, कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? हाँ, कैसा दिख रहे हो? देखो पता चल गया। मैंने कहा, बढ़िया लग रहे हो अंकल। क्या? मैंने सोचा बात नहीं करना, गुस्सा हो गया अंकल। फिर थोड़े टाइम बीत गया, मैं बोर होने लगा। मैंने सोचा बात तो करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से उनके फेस से ही एक सवाल पूछा। मैंने कहा, अंकल आप हंसते क्यों नहीं हो? उन्होंने क्या खूबसूरत सा जवाब दिया उन्होंने, मजा आ गया कि बेटा कि ये जो चेहरा है ना मेरा है, हंसू या कुछ भी करो, समझा? और मैंने कहा, समझ गया अंकल। मैं समझा, लेकिन समझ ना पड़ा उनकी शक्ल देख के, इतनी खतरनाक। समझ पड़ा, मैंने कहा समझ गया अंकल, अब नहीं बोलूँगा। उसके बाद मैंने सोचा, यार ये गम में हो गए, गुंडे होते तो मार देते अब तक। तो मैंने सोचा पूछता नहीं, वो एक अच्छी चीज़ बता दो उनको, एक ऐसा बताता हूँ। मैंने उनको कहा, अंकल आप हंसा कीजिए, बहुत अच्छे लोग हो गए, बहुत अच्छे, एकदम हीरो की तरह। तो मैंने कहा, आप हंसी अंकल, मजा आएगा, अच्छे लोगों। तो मेरे ख्याल से उनको अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया ना, मेरे को इतना खूबसूरत सा, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा जवाब। वो अच्छा, वो बस मेरे कान के पर्दे नहीं फटे। उन्होंने पता है क्या कहा कि हीरो तो सब कॉमन होते हैं, इसलिए मैं विलन बनूंगा, विलन। मेरी उम्र छोटी है इसलिए खतरनाक आवाज नहीं निकली हमारे सामने, लेकिन बोला झूठ था। और फिर मेरे को है ना, रोना आ गया।